नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। सुबह 8 बजे की खबरों की शुरुआत नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरों के साथ, जिस पर पूरे देश में उथल पुथल मची हुई है, या ये कहें कि मचाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में एक दिन के ब्रेक के बाद कल फिर से हालात बेकाबू हुए। दिल्ली में 3 जगहों पर हिंसा हुई और फिर आगजनी हुई, पथराव हुआ। इन सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर होगी। नागरिकता कानून के खिलाफ 20 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दी गई हैं। ज्यादातर याचिकाएं विपक्षी दलों ने लगाई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट इन पर सुनवाई करेगा। सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि उसका कानून 100% चोखा है, इसकी संवैधानिकता को कोई चुनौती नहीं है। तो देश के हालात के साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी आज रहेगी जी न्यूज की पूरी नजर, पूरी अपडेट आप तक सबसे पहले आप पहुंचाएंगे। लेकिन आपको ये दिखाते हैं पहले दिल्ली में क्या क्या हुआ, दिल्ली के कैसे फिर से दिल्ली को जलाने की साजिश हुई। सिर्फ एक दिन की खामोशी के बाद दिल्ली के एक हिस्से में फिर से तनाव के हालात हैं। दिल्ली के जाफराबाद, सीलमपुर और ब्रजपुरी में नागरिकता कानून के खिलाफ कल हुई हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। तीनों जगहों पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है। 15 दिसंबर को जामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस से पुलिस पर पथराव किया गया। 16 दिसंबर थोड़ी शांति जरूर रही, शांतिपूर्ण दिन गुजरा, लेकिन 17 दिसंबर को दिल्ली में फिर से आग भड़काने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें उसी की आपको दिखा रहे हैं। कल फिर से हिंसा हुई जिसमें पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, रास्ते चलते लोगों पर हमला किया गया, गाड़ियों में आग लगाई गई और दिल्ली के आम लोगों की जान को खतरे में डाला गया। जाफराबाद और सीलमपुर के पास भीड़ कल दोपहर बिना किसी सूचना के सड़क पर जमा होती है। इसके बाद ये हिंसा और आगजनी शुरू होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कौन है इसके पीछे, कौन है जो नागरिकता कानून के नाम पर एक समुदाय को डरा रहा है। जामिया की हिंसा में अब तक 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये अपडेट भी आपको बताते जा रहे हैं क्या क्या इसमें अब तक हो चुका है। कल की हिंसा में भी 2 नए केस दर्ज हुए हैं, कल कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। अश्विनी गुप्ता जामा मस्जिद से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और जामिया से राजू राज मेरे सहयोगी हमारे साथ है। राजू, सबसे पहले आपके पास मैं आ रही हूं, पुलिस बल की तैनाती, सिक्योरिटी कैसी और हालात कैसे हैं, सारी अपडेट। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जामिया इलाके में अभी स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, अभी कोई पुलिस डिप्लॉयमेंट नहीं है। अगर यहां पर छात्र या स्थानीय लोग इकट्ठा होते हैं तो पुलिस की पूरी तैयारी है, पुलिस ने रिजर्व में पुलिस बल को रखा है। इसके अलावा मैं बता दूं जाफराबाद इलाके में भी स्थिति फिलहाल सामान्य है, 2 पुलिस कंपनियों को यहां पर रखा गया है। पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वहां पे अतिरिक्त सुरक्षा लगा सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुरी में अभी भी सुरक्षा बल वहां पर तैनात है दिल्ली पुलिस के, क्योंकि इन सब जगहों पर कल काफी आगजनी हुई, पथराव हुआ, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं या सरकारी संपत्ति है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, पुलिस चौकी में आग लगाने की कोशिश की गई, तमाम जगहों पर फिलहाल दिल्ली पुलिस की तैयारी पूरी है। लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण तरीके, पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ने पे वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लगातार जहां जहां जामिया, ब्रह्मपुरी, इन तमाम इलाकों में जो अमन कमेटी है, जो उनको वहां के नुमाइंदे हैं, उनसे लगातार मीटिंग चल रही है, डायलॉग्स किए जा रहे हैं ताकि अमन और शांति बनाई रखे। जो रोड कल बंद किया गया था उसे पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। ठीक है अश्विनी, जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में कल हमने विरोध प्रदर्शन देखा था, आज क्या हालात हैं? बिल्कुल, देखिए जामा मस्जिद और तुर्कमान गेट के साथ साथ जो पुरानी दिल्ली का पूरा इलाका है वहां पर कल देर रात तक प्रदर्शन चला है। तुर्कमान गेट पर देर रात तक प्रदर्शन चला है। हालांकि अभी का जो स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग जामा मस्जिद पर हैं, यहाँ पर स्थितियाँ अभी फिलहाल सामान्य है, बहुत ज़्यादा पुलिस बल भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जितनी पुलिस आमतौर पर यहाँ पर रहती है, जो सुरक्षा रहती है वही है, अतिरिक्त पुलिस बल फिलहाल यहाँ पर नहीं है। लेकिन कल यहाँ पर 2 बड़ी सभाएं हुई जिसमें कि सैकड़ों की तादाद में लोग थे। एक बड़ी सभा यहाँ पर हुई जहाँ पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं, जामा मस्जिद पर, जिसको कि शाही इमाम ने संबोधित किया था, और एक बड़ी सभा तुर्कमान गेट पर हुई थी जिसे पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने संबोधित किया था, और उसी में
बहुत बड़ी संख्या में लोग थे और उसके बाद जो लोग वहां पे इकट्ठा थे वो लोग वहां से एक बात की शक्ल में होकर दिल्ली गेट नजर आ रहे हैं। अभी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आपके पीछे, आप बने रहिएगा हमारे साथ, फिर से आपका रुख करूंगे और जानकारी के लिए। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देश भर में हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सीलमपुर, जफराबाद और ब्रिजपुरी इलाके में हिंसक प्रदर्शन हुए। यहां पर उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की और एक पुलिस वाले की पिटाई कर दी। उपद्रवियों ने बसों में और मोटरसाइकिलों में आग लगा दी, तोड़फोड़ की। प्रदर्शन की वजह से कई इलाकों में लोग ट्रैफिक से जूझते हुए नजर आए। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर सड़क पर दंगे जैसी स्थिति नजर आ रही है। दंगाइयों के निशाने पर बसें हैं, सार्वजनिक संपत्तियां हैं, यहां तक कि पुलिस वाले भी हैं। दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद और ब्रिजपुरी इलाके की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर जुटने वाली भीड़ कैसे हिंसक हो रही है। और भीड़ में शामिल उपद्रवियों के निशाने पर स्कूली बच्चों की बसें और निहत्थे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। दिल्ली में 15 दिसंबर को हिंसा भड़की, 16 दिसंबर के दिन प्रदर्शन हुए, लेकिन ये प्रदर्शन हिंसक नहीं हुए। लेकिन 17 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर जमा हुए लोग सीलमपुर जाफराबाद इलाके में अचानक उग्र हो गए। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस वीडियो को देखिए, इसमें नजर आने वाली दंगाइयों की हरकत आपको भी गुस्से से भर देगी। वीडियो में नजर आ रहा है किस तरह एक पुलिस वाले पर कथित प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। प्रदर्शन कर रही भीड़ ने पत्थरबाजी करते हुए पुलिस वालों को दौड़ा लिया। भीड़ में शामिल लोग लगातार पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। इन उपद्रवियों के हाथ एक निहत्था पुलिस वाला लग गया। इसके बाद तो पुलिस वाले पर पत्थर और डंडे से हमले शुरू कर दिए गए। इस शख्स को देखिए, किस तरह निहत्थे पुलिस वाले पर ये दंगाई डंडे से वार कर रहा है। इसके साथ मौजूद लोग पुलिस वाले पर पत्थर से हमला कर रहे हैं। ये शख्स तो इस पुलिस वाले के बेहद नजदीक पहुंच गया और हाथों से ही पुलिस वाले को मारने लगा। इस तस्वीर को देखने के बाद दिल्ली में दंगाइयों पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने वालों के खिलाफ खुद सवाल खड़ा होता है कि पुलिस को पीटने वालों के खिलाफ क्यों ना हो सख्त कार्रवाई। क्या दिल्ली पुलिस सिर्फ पत्थर खाए, दंगाइयों को सबक ना सिखाए? दिल्ली पुलिस ने भी बताया किस तरह प्रदर्शनकारियों ने अचानक पुलिस पर हमला कर दिया। सीलमपुर टी पॉइंट पे ये लोग पहुंचे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने बैरिकेड लगा के इनको वहाँ पे रोका। उनको बताया कि आपको पीसफुल यहीं पे आप जो भी प्रदर्शन करना है वो करें। तो वहाँ पे करीब 45 मिनट से एक घंटा उन्होंने सीलमपुर टी पॉइंट के ऊपर पीसफुली उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उनको बार बार समझाया गया कि आप पीसफुल रहें और अमन चैन कायम रखें। और जब वो डिस्पर्सल होने लगा, तब उसमें से कुछ एलिमेंट्स थे जिन्होंने डिस्पर्स होते हुए पथराव किया और कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की है। और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर उनको पीछे कर दिया वहाँ 66 फुटा रोड के ऊपर ही। कल ही दिल्ली से एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें नजर आ रहा था कि सड़कों पर इकट्ठा होकर अराजकता फैलाने वालों को स्कूली बच्चों की भी फिक्र नहीं। यहाँ पर उपद्रवियों के निशाने पर बसें थीं, पत्थरबाजी शुरू हुई तो इस बात का ख्याल भी नहीं रहा कि बस स्कूली बच्चों की है। वीडियो में नजर आ रहा है कि सड़क के दूसरी तरफ से उपद्रवी बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं और पुलिस वाले बच्चों को नीचे उतार रहे हैं। उपद्रवियों ने बसों को तोड़ा, सुरक्षा बलों के वाहनों को भी निशाना बनाया, कई बाइकें भी फूंक दी। दो बसों में के शीशे टूटे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट बसें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें हैं। और एक रैपिड एक्शन फोर्स की जो बस है उस पर भी पथराव हुआ है और कुछ मोटरसाइकिलों को भी डैमेज किया है। जाफराबाद इलाके में हुआ हिंसक प्रदर्शन राजनेताओं, प्रशासन और अमन कमेटी की अपील के बाद खत्म हुआ। फिलहाल सीलमपुर में हिंसा के बाद हालात सामान्य हैं। सूत्रों के मुताबिक बिना किसी जानकारी के लोग छिपकर सीलमपुर टी पॉइंट तक पहुंचे थे। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि हिंसा फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, सारे जो इंसिडेंट्स है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी है। जहां भी ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं हम खुद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और सीलमपुर में भी हमने कैमरा से भी रिकॉर्डिंग की है और हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है।
सीलमपुर और जाफराबाद के अलावा दिल्ली के ब्रिजपुर इलाके में भी पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। कल शाम को 7 बजे के करीब यहां पर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इन लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिसके बाद प्रदर्शनकारी तितर बितर हुए। दिल्ली में आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाकर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जामिया के बाद अब सीलमपुर के पास आज दोपहर 2 बजे के करीब जब पथराव पुलिस के ऊपर किया गया, तो रेड लाइट पर एक स्कूल बस खड़ी हुई थी, तो इस स्कूल बस पर भी पत्थर फेंके गए, जिसकी वजह से स्कूल बस के तमाम आसपास के जितने शीशे हैं वो टूट गए थे। इस बीच जामिया मिलिया इस्लामिया में रविवार को हुई हिंसा में पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ खान को भी दिल्ली पुलिस ने आरोपी बनाया है। यहाँ पर 15,000 पुलिस आई भी है, हम निमट लेंगे तुम लोगों से, तुम बलवाई हो तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ का रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ, करता हूँ, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई धमकी के अंदाज में बात की जाएगी तो हम किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शनों की वजह से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। कल दरियागंज इलाके में भी दिल्ली पुलिस ने पेट्रोलिंग की। इसके अलावा प्रदर्शन को लेकर पूरी दिल्ली में सतर्कता बढ़ती जा रही है, लेकिन देश की राजधानी से आ रही तस्वीरों के बाद देश भर में लोगों की नाराजगी बढ़ रही है और दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात हो रही है। पुलिस भी उपद्रव के वीडियो से आरोपियों की पहचान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजू राज मेरे साथ जुड़े हुए हैं जामिया से। राजू राज, आसिफ खान तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो करना है कर लो, मेरे पीछे तो लंबी फौज है, एक्सपोज हो गए हैं ये लोग। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2 FIR दर्ज हुए थे यहाँ पर, एक FIR जामिया नगर में हुआ था, दूसरा NFC में, और इसमें से लगभग 15 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था, उनके खिलाफ पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है। आसिफ खान का भी नाम FIR में है, और जिसके बाद वो जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं कि उन्होंने जामिया के जो SHO हैं उपेंद्र यादव, उन्होंने लोगों को समझाते हुए बता रहा थे कि अगर आप दंगा फैलाते हैं तो यहाँ सुरक्षा बल तैनात हैं। इसी को लेकर वो पुलिस को धमकी दे रहे हैं कि उनके पास 5 लोगों का हुजूम है, और अगर वो कुछ करते हैं या लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, तो उनके खिलाफ 5 लाख लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो एक नेता का काम होता है कि लोगों से अपील कर उन्हें शांति करने की, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करे, लेकिन यहाँ पर धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पुलिस के पास भी वो वीडियो आया है, और पुलिस उस वीडियो को भी छानबीन कर रही है, चूंकि FIR में आसिफ खान का नाम भी है, तो कई सवाल खड़े होते हैं जो स्थानीय नेता जिनकी जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा की है, लोगों को। प्रियंका गांधी वाड्रा धरने पर बैठ जाती हैं, आसिफ खान तो ये धमकाते हैं कि 5 लाख लोगों की फौज मेरे पीछे है, तो ये तो वाकई सबके सामने आ गया ना, कौन है इस पूरे प्रदर्शन के पीछे, कौन है इस पूरे उपद्रव के पीछे। है उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पूरा जो वायलेंस है ये कहीं ना कहीं प्लान किया जा रहा है, और इसके पीछे जो साजिश है वो जरूर उजागर होनी चाहिए, कौन लोग इसके पीछे और इसके पीछे मकसद क्या है, क्योंकि जिस तरह से जो FIR हुई है उनमें भी जो नाम आए हैं उसमें स्टूडेंट्स के नाम सामने नहीं आ रहे हैं, जो बाहरी लोग हैं वो ज्यादातौर पर सामने आ रहे हैं, और इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो बाहर के लोग हैं जिनका मतलब मकसद पढ़ाई करना नहीं है या फिर दूसरे काम है, वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल होकर इस तरह के काम कर रहे हैं, और उसका खामियाजा दिल्ली को पूरी भुगतना पड़ रहा है। कल जैसे पूरी की पूरी दिल्ली एक तरह से इस तरह के उपद्रव से प्रभावित थी, कुछ इलाके थे लेकिन जो ट्रैफिक जाम था वो पूरी दिल्ली में था। हम आपको बताएं कि चांदनी चौक का जो इलाका है, चांदनी चौक तुर्कमान गेट का, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग थे, और जब ये लोग दिल्ली गेट पर जमा हुए तो उसके आसपास के तमाम इलाके जो है वो ट्रैफिक जाम हो गए थे। हालांकि हम इस वक्त जहां पर हैं जामा मस्जिद, यहाँ पर जो शाही इमाम है वो यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे थे, और जो शोएब इकबाल जो यहाँ से पूर्व विधायक है वो तुर्कमान गेट पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। हालांकि शाही इमाम ने अपनी तरफ से अपील जरूर कही थी कि लोग शांति बना करके रखें, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे जामा मस्जिद इलाके में कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन प्रदर्शन जो है वो काफी जबरदस्त यहाँ देखने को मिला।